दोस्तों अगर आपके भी ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, वो भी आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसके साथ दोस्तों उसमें कोई मिस्टेक थी और उसकी जो भी कमेंट आई थी उसका रिप्लाई करेंगे। जैसे कि हम क्या चार पांच बंदे बैठ के लिख देंगे एग्जाम तो कैसा रहेगा, हम क्या स्क्रीन शेयर ऐप यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसे सारे कमेंट्स के आंसर देंगे। उसके साथ साथ दोस्तों आपका टेंशन फ्री करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे और आपको चीटिंग की कुछ ऐसी टिप्स भी देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं दंसिक, आप देख रहे हैं चैनल एक्सप्लेनिंग पंजाब। देखिए दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ वो वीडियो में हमने क्या बात की थी। हमने बात की थी कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपकी जो भी इंस्टीट्यूट है उन्होंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्ड किए हैं, उसकी मदद से आपके एग्जाम होने वाले हैं, उसके अंदर आपकी जो भी फेस रिकॉग्नाइज होगा, आपके जो भी कैमरे का एक्सेस होगा उनके पास चला जाएगा, माइक का एक्सेस चला जाएगा, आपके आसपास की सारी चीजें वो स्कैन कर सकते हैं। ऐसी काफी सारी चीजें बताई थी। किन किन लोगों ने वो वीडियो को डिसलाइक किया है, उनको लग रहा है कि हमने झूठ बोला है, लेकिन दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक आर्टिकल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे चोखा लिखा उन्होंने, सच में लिखा हुआ कि इस तरह से एग्जाम होने वाले में हवा में बात नहीं कर रहा था। अब देखे दोस्तों उसको भूल जाते हैं, आज की बात करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। आपकी ऑनलाइन एग्जाम दोस्तों कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे ली जा सकती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम है, गूगल क्लासरूम है, जूम है, उसको पे ली जाने वाली है, तो वो काफी इजी होने वाली है, मतलब इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकती। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो भी एप्लीकेशन बनाया गया उतनी जितनी मुश्किल नहीं होने वाली है। अगर दोस्तों आप कम स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, जैसे कि 8 से 9, 8, 9, 7, 8, 9, मतलब 11 में है, 10, 12 जो बोर्ड है उनको छोड़ के और दोस्तों हायर स्टडी को छोड़ के जितने भी आप कम स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो आपकी एग्जाम इतनी हार्ड नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी जो भी हायर स्टडी वाले हैं उनके अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ऐप से होने वाली है तो आपकी जो भी एग्जाम है थोड़ी कठिन हो सकती है। देखिए दोस्तों आपकी ऑनलाइन एग्जाम किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन दोस्तों आपको तीन बातें याद रखनी है, तीन बातें आपके ऑनलाइन एग्जाम में 100% होने वाली है। तीन बातें देखिए दोस्तों कौन सी है। पहला दोस्तों आपका माइक ऑन रहेगा, कोई भी प्लेटफॉर्म होगा आपका माइक ऑन रखना पड़ेगा ऑनलाइन एग्जाम के दौरान। दूसरा आपका वीडियो ऑन रहेगा, मतलब कि आपका कैमरा ऑन रहेगा। तीसरा दोस्तों आपकी जो भी एग्जाम होगी उसका पूरा पूरा रिकॉर्डिंग किया जाने वाला होगा। अब देखें दोस्तों ये रिकॉर्डिंग वाला शायद आपके इंस्टीट्यूट ना भी करे, लेकिन ज्यादातर दोस्तों इंस्टीट्यूट करेगी, मतलब ये तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना है आपके एग्जाम किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ये तीन चीज आपके साथ होने वाली है। अब देखें दोस्तों आपको ये तीन चीजें कैसे ऑनलाइन एग्जाम के अंदर चोरी नहीं करने देगी, मतलब चीटिंग नहीं करने देगी। पहली बात करते हैं दोस्तों जो कैमरा है उसकी। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जो हमारा क्लास होता है उसके अंदर क्या करते हैं, मैडम इधर उधर जाते हैं तो हम अपने आसपास ऐसे इधर उधर फिर के हम पूछ लेते हैं कि अगर पहली बेंच पे मैडम है, जो सुपरवाइजर पहली बेंच पे है तो हम लास्ट वाले चोरी करते हैं, लास्ट पे है तो पहली वाले चोरी करते हैं, मतलब इसी तरह से चलता है। लेकिन दोस्तों कैमरे के अंदर क्या होगा, अगर आप इधर उधर देखेंगे तो आपको पता नहीं है कि वो जो भी सुपरवाइजर है वो आपको देख रहा है या किसी और को देख रहा है। आपको मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जो भी सुपरवाइजर होगा उसके सामने स्क्रीन होगी, डेस्कटॉप होगा, लैपटॉप होगा, उसके अंदर 30 बच्चे आप समझ लीजिए, तो 30 बच्चे के अंदर 15-15 की दो लाइन है। अब दोस्तों जो 15-15 की दो लाइन है मतलब एक ही फ्रेम के अंदर उनको सारे बच्चे दिख रहे हैं। अब दोस्तों जो सुपरवाइजर है उसने अपना कैमरा ऑफ भी कर रखा हो सकता है, अपना कैमरा ऑन भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं चलने वाला कि वो पहले नंबर वाले बंदे को देख रहा है या फिर तीसरे नंबर वाले बंदे को देख रहा है। अब दोस्तों हो सकता है वो आप ही को देख रहा हो, तो मतलब अगर आप इधर उधर चोरी करते तो आपको अलर्ट कर भी सकता है। अब दूसरी बात दोस्तों ऑडियो की बात करें तो ऑडियो कैसे आपको परेशान करने वाला है। दोस्तों अगर आप अपनी बहन को पूछ रहे हैं या फिर अपने भाई को पूछ रहे हैं तो हो सकता है आपका जो भी ऑडियो आएगा तो उसे पता चल जाएगा, जो भी आपका सुपरवाइजर होगा उसको, कि ये बंदा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपको अलर्ट कर देगा, वो आपको सूचना देगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर कोई अटेंड किया होगा लेक्चर तो उसके अंदर अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो एक लाइट ब्लिंक करती है, वो दोस्तों लाइट ब्लिंक करती है, मतलब कि अगर आपका वॉइस कोई नेटवर्क के कारण से वो प्रॉक्टर के पास नहीं जाता लेकिन दोस्तों आपके माइक तक जाता है, मतलब जो भी ईयरफोन का माइक है वहां तक जाता है तो वो ब्लिंक करता है। तो अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये ब्लिंक करता है तो अगर जो भी प्रॉक्टर होगा, जो भी सुपरवाइजर होगा उसकी नजर 30 वाले नंबर के बंदे पे है, लेकिन दोस्तों अगर वहां पे ब्लिंक करता है तो उसकी नजर 100% वहां पे जाने वाली है। तो मतलब दोस्तों ये जो माइक है वो भी आपको परेशान करने वाला है। अब दोस्तों रही बात जो वीडियो रिकॉर्डिंग की है उसकी, तो हो सकता है आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वो वीडियो रिकॉर्डिंग को चेक करे, ज्यादातर ऐसा नहीं करते, लेकिन हो सकता है अगर आगे वीसी को भेजना हो, आगे जो प्रिंसिपल है उनको दिखाना हो तो हो सकता है आपके वीडियो चेक हो सकती है। अगर आप कुछ भी बच के ऐसे जो भी चीटिंग है वो करने की पॉसिबल करते हैं, लेकिन दोस्तों हो सकता है आपकी रिकॉर्डिंग के अंदर पकड़े जा सके। अब देखे दोस्तों आप सोच रहे कि आपने टेंशन कम करने की बात की थी, अब टेंशन बढ़ा रहे हैं। अब देखे दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी जो भी एग्जाम होने वाली है
उसके पहले आपका एक मूक टेस्ट होगा। अब देखिए दोस्तों, मूक टेस्ट होगा उसके अंदर आपको सारे इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, आपके ऑनलाइन एग्जाम के अंदर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कितनी एग्जाम होगी, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। अब दोस्तों इसके अंदर आपको क्या करना है, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो आप अपनी जिम्मेदारी पे कीजिएगा। अब थोड़ी चीटिंग की टिप्स हो रही है ऐसा समझ लीजिएगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा बोलना है। अब देखना है आपको कि जो आप धीरे से बोल रहे हैं वो क्या प्रॉक्टर पकड़ रहा है, क्या उसको अलर्ट जा रहा है, मतलब उसको समझ आ रहा है कि आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप बोलते हैं तो कुछ ब्लिंक कर रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, मतलब ऐसी चीजें आपको नोट करनी है। जैसे कि अगर आप इधर उधर देखते हैं तो क्या प्रॉक्टर को पता चल रहा है, क्या उसका कैमरा ऑन है वो हमें दिख रहा है, वो क्या कर रहा है वो हमें पता चल रहा है, मतलब ऐसी सारी चीजें करके आपको एक लूप होल देना, मतलब कहां से आप क्या कुछ कर सकते हो आपको वो जो आपकी मॉक टेस्ट होगी उसके अंदर पता लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये बात होगी थोड़ी बहुत चीटिंग की, तो हो सकता है आपका इससे थोड़ा टेंशन कम हो जाए, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं जो भी आप करेंगे आपकी जिम्मेदारी होगी, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूं। देखिए दोस्तों, मेरे पास ऐसे काफी सारी टिप्स है, अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के 500 लाइक तक पहुंचा दीजिए, 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए, तो आपको मैं डेडिकेटेड चीटिंग कैसे करनी है वो जैसे टिप्स की वीडियो 100% में बनाऊंगा, इसीलिए आपको 500 तक हमें पहुंचा देना होगा सब्सक्राइब और लाइक के लिए। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सच्चाई की, कितना लोगों को वो पहले भी हमारा वीडियो डिसलाइक किया था, ये वीडियो भी हो सकता है डिसलाइक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों उनसे जो सच बात होती है ना उसको हजम करने का जिगरा चाहिए, मतलब हम क्या करते हैं कि हमने डिसलाइक कर दिया, मतलब ये नहीं होता कि वो बंदे ने बात झूठ कह दी, झूठ नकार दी, लेकिन दोस्तों जो सच होता है उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, आप जो सोचे वो, लेकिन सच थोड़ा कड़वा होता है उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों हमने जो कमेंट्स की बात की थी कि क्या हम 4-5 बंदे बैठ के हम एक साथ में एग्जाम दे देंगे तो कैसा रहेगा। देखो दोस्त, मैंने आपको बताया कि आप जो भी ऑनलाइन एग्जाम देंगे उसके अंदर अगर आप कुछ बोलेंगे तो उनको पता चल जाएगा, आप इधर उधर देखेंगे उनको पता चल जाएगा, तो अब दोस्तों क्या करें, मतलब आप ये जो 4-5 बंदे वो आपका आइडिया फेल हो सकता है। अगर दोस्तों आप क्या करते हैं कि अपने एक कोडवर्ड बनाइए, ये भी एक चीटिंग टिप्स है, आप एक कोडवर्ड बनाइए, जैसे कि ये है वो 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, ये होगा 40 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा कुछ कोडवर्ड बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप ना ही बोल पाएंगे ना ही आप इधर उधर देख पाएंगे, आपको सिर्फ इशारा करना होगा, इशारा करें कि भाई ये 40 नंबर क्वेश्चन बता, अगर आप एमसीक्यू तो इसका फाव सकते हैं, मतलब कि वो कह देगा ये 2 नंबर की उंगली पकड़ ली, मतलब उसका आंसर भी है, मतलब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से चीटिंग कर सकते हैं। देखे दोस्तों, जो स्टूडेंट होता है वो सबसे तेज दिमाग वाला माना जाता है चीटिंग के बारे में, ये वो स्टूडेंट कितना भी कुछ भी कर पढ़ाई में कैसा भी हो, लेकिन दोस्तों उसको चीटिंग करने के आइडिया कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। अगर दोस्तों आपको चाहते हैं चीटिंग के लिए तो हमारे 500 सब्सक्राइबर तक हमें पहुंचा दीजिए, 500 लाइक पूरी कर लीजिए, हम उसके ऊपर एक जरूर से वीडियो लाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, दूसरा कॉमेंट का हम स्क्रीन शेयर ऐप का यूज कर सकते हैं। दोस्तों मुझे कॉमेंट आता है कि हम स्क्रीन शेयर ऐप का यूज करते हैं, क्या हम उसे एलईडी के अंदर लगा देंगे, मतलब वहां एलईडी के अंदर हम स्क्रीन शेयर कर देंगे क्या रहेगा कैसा रहेगा। मतलब देखो दोस्त, अगर आपकी जो भी कैमरा है वो आपके देखना होगा, कैमरे के अंदर आपको देखना होगा, उसके बाद दोस्तों आप नहीं कोई इधर उधर फिरा सकते। अगर आप टीवी के अंदर देखना चाहेंगे तो आपको मुंडी ऊपर करना पड़ेगा, अपना फेस ऊपर करना पड़ेगा, तो प्रॉक्टर को पता चल जाएगा कि ये या शायद वो कुछ अलग देख रहा है, वो उनको तो ऐसा ही लगेगा कि ऊपर से कोई लिखवा रहा है या फिर कोई ऊपर से जो एक बुक पकड़ के बैठा हो उनको तो ऐसा ही लगेगा, मतलब आपको वो अलर्ट देगा। तो दोस्तों ये स्क्रीन शेयरिंग ऐप के लिए आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि दोस्तों एक अदर एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपको बता दी, अगर आप चाहते हैं चीटिंग पे डेडिकेटेड वीडियो चीटिंग कैसे करनी है, 500 सब्सक्राइबर और 500 लाइक का टारगेट पूरा कर दीजिए, हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे, प्लीज दोस्तों डिसलाइक मत कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।